सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। यार देखो, झटका पड़ना वो अलग बात है और हार्ट अटैक आने वाला झटका पड़ना वो एक अलग बात होता है। बिकॉज वन पीस का मांगा चैप्टर 1053 का जो स्पॉइलर आया है ना, वो इस तरह का झटका दिया है ना, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। पर चिंता मत करो, अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो और तुम मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो, मतलब हो गए हैं अगर 4-5 महीने, तो तुमको झटका नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर तुम मेरे वीडियोस ऐसे ही नॉर्मली कभी कभार देखते हो या फिर देखते ही नहीं हो, तो तुमको पक्का झटका पड़ सकता है, या फिर उन लोगों को झटका पड़ सकता है जिसने मेरे वीडियो पे ये कमेंट किया था कि ये वीडियो सेंसलेस है या फिर एक नंबर का फालतू है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो थोड़ा इग्नोर मारना, बिकॉज बगल में शादी हो रहा है तो साला फालतू का बॉक्स बजा रहा तो कान खा रहा है, तो उसको थोड़ा इग्नोर मारना। भाई अगर मैं बात करूँ स्पॉइलर की, तो सबसे पहला स्पॉइलर जो आता है वो है बग्गी इज द न्यू एम्परर। क्यों, झटका पड़ा ना भाई? पड़ेगा ही। लेकिन अगर तुम मेरे वीडियोज बहुत टाइम से देख रहे हो और तुमने मेरा ये वाला वीडियो देखा है, तो हाँ वो वीडियो अगर तुमने देखा है तो तुमको झटका नहीं पड़ेगा। और पता नहीं यार, बग्गी का पावर तो अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन हाँ न्यू यॉन्ग को उसको बना दिया और ओडा ने जिस हिसाब से झटका देके एक महीने के ब्रेक में चल गया ना 4 हफ्ते के लिए, क्या ही बोलूं। खैर मुझे पता है तुम्हारे पैरों के नीचे सब जमीन खिसक गया होगा ये जानने के बाद, और बहुत सारे लोग अपना माथा फोड़ रहे होंगे कि वो कैसे करके यॉन्ग को बन गया, कोई अलग टाइप का तिगड़म लगा रहे होंगे। लेकिन एक चीज जरा याद रखना, ऐसे ही किसी को यॉन्ग को बना देना ये कोई मजाक का बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट भी जानती है हम किसी को आसानी से यॉन्ग को नहीं बना सकते। चलो सेकंड स्पॉइलर की बात करते हैं। वी सी लूफीज बाउंटी बट नॉट द अदर स्ट्रॉ हैट येट। अब यार देखो, लूफी का बाउंटी बढ़िया तरीके से चैप्टर में दिखाया कि नहीं दिखाया, वो चैप्टर आने दो, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कितना का बाउंटी उसको मिला है। बाकी स्ट्रॉ हैट का शायद दोबारा जब 1054 चैप्टर आएगा पूरा अच्छे से हम लोग को पता चलेगा, तो इस वजह से हम इस चीज को थोड़ा इग्नोर मारते हैं और जाने देते हैं। और थर्ड स्पॉइलर की अगर मैं बात करूं, लूफी एंड बग्गी आर द न्यू यॉन्को नॉट किड एंड लॉ। और हाँ, यही चीज बताया कि भाई बग्गी यॉन्को बन गया है, लूफी यॉन्को बन गया, लॉ किड नहीं बना है, जो कि उसके क्रू शायद कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया है। और हाँ, ऐसा हो सकता है वो लोग लूफी के साथ अलायंस में थे, तो इस वजह से लूफी लीड कर रहा था एक तरह से समझो, और लूफी को यॉन्को बना दिया पर किड और लॉ को नहीं बनाया। बट भाई फोर्थ वाला जो स्पॉइलर दिया है वहाँ पे लिख दिया लूफी किड एंड लॉ ऑल हैव द सेम बाउंटी। मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता पता है, वो जो 5 बिलियन बाउंटी वाला जो लफड़ा चल रहा था ना तुम लोग का, वो नहीं होने वाला, क्योंकि भाई सबको 5-5 बिलियन तो नहीं दिया जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि इतना कर दे 2 बिलियन या 3 बिलियन ऐसे करके बांट दिया होगा और सबको एक बराबर बाउंटी दे दिया, जो कि हैरान मत होना। और हाँ, लूफी का बाउंटी 5 बिलियन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे जाके फ्यूचर में जरूर हो जाएगा। बात करते हैं फाइनल स्पॉइलर, जिसको लेख के भाई मैं बहुत टाइम से भौंक रहा हूँ, बहुत टाइम से चिल्ला रहा हूँ कि भाई वानो आर्क खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही चुल मचा है कि वानो आर्क खत्म हो गया है, लेकिन इस चैप्टर के फाइनल लाइन पे ये बोल दिया है, मतलब स्पॉइलर में ही लिख दिया है, द वानो कंट्री आर्क हैजंट एंडेड येट। पता चल गया ना, वानो आर्क खत्म नहीं हुआ, अभी बड़ा कांड होना बाकी है। बस ओनिगासिमा रेड खत्म हो जाने से ये मत समझना कि वानो आर्क खत्म हो गया, अभी और तबाही होना बाकी है, और इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर तुम सबको इस स्पॉइलर को लेकर के तुम्हारा क्या मानना, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वो तुम लोग का मन है, करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे 700 फॉलोअर होने वाले हैं, तो जाओ जल्दी यार करवा दो। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।